अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों के पास SS06 डिवाइस बैंड का एरर आ रहा है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, चाहे जो है वो आपका एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिंपली से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाना है। अगर आप आईफोन यूज़ करें या फिर एंड्रॉयड यूज़ करें, आपने सिंपली से जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आपने उसको ओपन कर लेना है। अब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ये सिंपल वाला मेथड बताऊँगा पहले, जो आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी और उन्होंने यही चीज़ की होगी और आप फिर से इस वीडियो को भी स्किप करने की सोचेंगे कि ये भी बंदा वही चीज़ बता रहा है, बट नहीं। यहाँ पर मैं स्नैपचैट सपोर्ट ज़रूर लिखूंगा, बट इसका एक मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली स्नैपचैट सपोर्ट को सिर्फ एक काम के लिए यूज़ करना, इससे आपका अकाउंट अनलॉक नहीं होगा। इससे आपका अकाउंट अनलॉक कह दिया, इसकी आपकी डिवाइस अनबैन नहीं होगी। इससे आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, वो क्या करनी है, अपने स्नैपचैट सपोर्ट के अंदर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आई कांट एक्सेस के अंदर जाना है, ये दोनों चीज़ें आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद माई अकाउंट इज़ लॉक, आपने इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद गोइंग हेयर में जाना है, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपली से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करने की ट्राई करनी है, ठीक है। सिंपली से अगर आपका अकाउंट चाहे वहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन नहीं हो रहा, बट यहाँ पर जब आप अपना यूज़र नेम लगाएंगे उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे, आपको वेरिफिकेशन कोड भी आएगा, आपका अकाउंट भी लॉगिन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए, ठीक है, लॉगिन हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन। अगर लॉगिन हो जाता है तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो ठीक है। लॉगिन होने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू है, तो आपके पास जैसे ही लॉगिन होगा अगर वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाए, माई डाटा का नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन, मतलब लगा लें 6 से 7 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपका अकाउंट बिल्कुल ओके है। इसका दूसरा हल ये भी है कि आपके घर में कोई भी दूसरा फ़ोन है तो आप उसके अंदर अपना अकाउंट लगाएं, अकाउंट लगाने के बाद जो है उसको चेक कर लें, अकाउंट अगर चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो आपका मतलब है कि आपका अकाउंट भी ख़त्म हो चुका है, वो अकाउंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता चाहे आप अपील कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका सिंपल लॉक अकाउंट है तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे उनमें आपको अनलॉक अकाउंट का भी ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली से उसके ऊपर क्लिक करके अनलॉक कर लेना है। बट अगर वो लॉक वाला सीन है तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोर्ट स्नैपचैट सपोर्ट के अंदर हमने सिर्फ यही चेक करना है कि आपका अकाउंट ठीक है या नहीं। कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट ठीक नहीं है, अगर वहाँ पर सिर्फ आपको 2 से 3 ऑप्शंस मिले, जैसे कि माई डाटा का, लॉग आउट का या फिर अकाउंट मैनेजमेंट का, ये 2-3 ऑप्शंस मिले, इसका मतलब है आपका अकाउंट बिल्कुल ख़त्म है, वो कभी भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइस बैन को कैसे ठीक करना है। अब डिवाइस बैन का इस तरीके से है कि अगर तो आप आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो आईफोन का सलूशन बहुत लेंथी है, वो ना तो मैं वीडियो में बता सकता हूँ और ना मैं वीडियो के बाद भी आपको जो है सिंपली से वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। उसका सलूशन काफ़ी लेंथी है, तो आप यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप सिंपली से व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो है मुझे मैसेज करके सलूशन ले सकते हैं। यहाँ तो अगर बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड का सलूशन थोड़ा सा सिंपल तो है, बट यहाँ पर आपको मिलेगी तो एक एप्लीकेशन ही, एंड वो एप्लीकेशन जो है आपको व्हाट्सअप के ऊपर मिल जाएगी, आप सिंपली से व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करके आपको मिल जाएगी। बट ये सलूशन पेड होने वाला है और पेड होने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। अब टाइम किस तरीके से लगाना पड़ता है, कि यहाँ पर जो है अगर सिंपली से एप्लीकेशन देने से आपका अकाउंट नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको अकाउंट भी चेक करना पड़ेगा, अकाउंट चेक करने के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका फ़ोन के अंदर SS07 तो नहीं आ रहा, आपने ज़्यादा अकाउंट तो नहीं बना लिया फ़ोन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, एंड बड़ी एहतियात के साथ आपको अकाउंट लगाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट दूसरे फ़ोन में नहीं चल रहा तो और भी ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी और उसके लिए जो सलूशन और भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपके आधा घंटा और भी ज़्यादा लग सकता है, उसके लिए आपको अकाउंट और बनाना पड़ेगा और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे वेरीफाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के ऊपर पता चल जाएंगी, आप मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी डिवाइस बैन 100% सॉल्व हो जाएगी। तो ये सलूशन जो है वो थोड़ा सा पेड होने वाला है, बट आपका काम जो है वो 100% हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके सलूशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।